हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं आपका जो आज यूपीटर प्रेस लेखपाल का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। तो हमारे पास इस पेपर की सीरीज F है। अगर आपका कोई अन्य सीरीज का पेपर है तो आप प्रश्नों के माध्यम से उसे मिला सकते हैं। तो हिंदी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था कि इसमें पूछा गया था कौन सा अशुद्ध वाक्य है, उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई, यह अशुद्ध है, और ये विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यह बिल्कुल सही है। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, यह गलत है, और मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, यह भी गलत है। तो इस तरीके से पहला, तीसरा और चौथा गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खग जाने, खग की ही भाषा का अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहाते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, इसका रेखांकित में कारक होगा कर्म कारक। कौन सा होगा? कर्म कारक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अरुण शब्द का अनेक अर्थ है। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर अरुण को बोला जाता है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, इसमें जो अशुद्ध भाग है वह है अनेकों लोग। और तत्सम शब्द पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आंसू, आशीष, आँख, ये सब तद्भव हैं, जबकि अक्षर जो है यह तत्सम शब्द है। इसमें पैराग्राफ दिया गया था, इसमें आप लगा सकते हैं मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे को कहा है? असफलता को कहा है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए? सफलता असफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अगला प्रश्न है दसवां, जीवन की सार्थकता किसमें है? कर्तव्य के मार्ग पर चलने के आनंद में। अगला है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते? अपना पराया में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, इसमें वीर, धन, अंगना, यह बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना अर्थात मृत्यु के समीप होना। सलाका तद्भव रूप पूछा था तो इसे सलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सलाई। आनंद का उचित पर्यायवाची क्या होगा? मोद और हर्ष, यह आनंद का पर्यायवाची होगा। इसमें पूछा गया था कौन कौन सा सही है, तो विस्मरण और हितैषी सही प्रकार से लिखा है, तो तीसरा और चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछा गया था नहीं है, तो संबल स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि यामा, भिक्षा और योजना स्त्रीलिंग है। सही विलोम पूछा गया था तो इसमें कृपण और दाता सही विलोम शब्द होगा। जीवनपति का समानार्थी क्या होगा? यमराज जीवनपति का समानार्थी होगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अतींद्रिय। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह शब्द पुल्लिंग है। अगला है, पंखा का बहुवचन पूछा गया था तो पंखे पंखा का सही वचन हो जाएगा। 24वां है कि दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुधन शासन, इसका सही संधि विच्छेद होगा। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो लालायित शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 26वां, गणित का। तो गणित में पूछा गया है कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया था तो माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 इसका सही उत्तर होगा। इसमें बहुलक पूछा गया था तो इसमें 3 जो संख्या है वह 4 बार आई है, तो बहुलक 3 हो जाएगा। मध्यिका पूछी गई थी, अगर इसे हम इसे क्रम में लगाएंगे तो 13 इसकी मध्यिका हो जाएगी। संभव त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 18 है, तो आधार 18 है तो परिमाप हो जाएगा 54। अगला है, इसमें पूछा गया था सरलीकरण से सवाल, तो इसका सही उत्तर होगा 63। एक बंटन दिया गया है, इसमें पूछा गया है किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 19 से 21। कौन सा वर्ग होगा? 19 से 21। अगला है, 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो 40 96 इसका 60 96 सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था जिसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पूछा गया था ग्राफ से सवाल था, तो इसमें पूछा गया था कितनी आय हो जाएगी दुगनी, तो 1.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले का उत्तर क्या होगा? 125%। कितना होगा?
125%। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जो आय का औसत कम है और उससे अधिक है, तो 5.53 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितनी गिरावट थी, तो 7% इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि कितनी थी, तो 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का क्या होता है, इसे आवृत्ति आरेख कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला पूछा गया है घनत्व कितना है, तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। अगला है द्विघात समीकरण x²-4x-1=0 के मूल पूछे गए थे, तो 2±√5 श्रीधराचार्य सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है, तो और इसका जो सही उत्तर होगा वह 3380 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा वह 11% इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है कोण बी पर समकोण है, तो बी सी ज्ञात कीजिए, तो बी सी हो जाएगी 5। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याओं का HCF 11 और दो अन्य गुणनखंड 13 और 17 हैं, तो छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या हो जाएगी 143। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। समचतुर्भुज का परिमाप 120 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 360। अगला है बारंबारता बहुभुज के अनेक भुजाओं वाली क्या होता है, एक बंद आकृति होती है, क्या होती है, बंद आकृति होती है। लासा पूछा गया है, तो इसमें ऊपर वाले का लासा लेंगे, नीचे का मासा लेंगे, तो 12/1 आएगा, इसका अर्थ 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं जीएस की। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो साबरमती से शुरू किया था नमक सत्याग्रह। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका पर किस पर थी, प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि पर निर्भर थी। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व किस में रखे गए हैं, तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह NH4 हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है कौन सी, तो थारू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा कर सकता है, तो 8 राज्यों के साथ। और मंदिरों का शहर बनारस को जाना जाता है, वाराणसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, तो यह लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कंप्यूटर वायरस कैसे पता लगा सकते हैं, तो कंप्यूटर ईमेल अटैचमेंट को खोलकर। और इसमें जो मिलान करने थे गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह रिहंद नदी पर हो जाएगा, परीक्षा बांध हो जाएगा बेतवा नदी पर, गोविंद सागर बांध सहजाद नदी पर, और जैमिनी बांध जैमिनी नदी पर हो जाएगा। अगला पूछा गया कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस EBC कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोहियों में है, तो रीधम मोमनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा उपयोग करके, इसमें पूछा गया था ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, इसमें प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, इसका उत्तर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देशनायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देशनायक कहा था। किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो? तो हैदराबाद रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो किया गया था। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बफिन द्वीप किस देश में है? तो कनाडा में स्थित है बफिन द्वीप। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे कम सीटें कहाँ हैं? सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों के लिए पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करती है? तो NASP इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसी भी परिवार, ग्रामीण परिवार के लिए 100 दिनों की रोजगार गारंटी के लिए दी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए है? तो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, यह है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा SGRY। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। UPRRDA की स्थापना कब की गई थी? 2003, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कब शुरू किया गया? 2020, इसका सही उत्तर है। कौन सी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो उत्तर प्रदेश HMIS, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि सुधार निगम के तहत FFS क्या है? फॉर्मल फील्ड स्कूल, इसका सही उत्तर होगा। और धुआं मुक्त के लिए कौन सी है? उज्ज्वला योजना। धुआं मुक्त के लिए रसोई उज्ज्वला योजना इसके लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को स्थायी तरीके से, इसमें उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ितों के दुर्व्यवहार की पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इनमें से कोई सी योजना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो UP मातृभूमि योजना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैर कृषि गतिविधियों, निम्नलिखित में से गैर कृषि गतिविधियों और गैर महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के लिए कौन सी योजना है? तो ट्रेड योजना, इसकी सही उत्तर होगी। निम्नलिखित में से कौन सी हमारे संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों के लिए निर्माण के लिए, तो उस्ताद योजना, इसके लिए सही हो जाएगी। सौर फोटोवोल्टिक के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 30%, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कन्या विद्याधन के लिए के तहत हाईस्कूल पास लड़कियों को 30,000 रुपये दिए जाने का योजना के अंतर्गत प्रावधान है। आजीविका मिशन को कौन संभालता है? आजीविका मिशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालता है। अगला है कि गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार के लिए जननी सुरक्षा, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इससे संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो यह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, इसमें पूछा गया है कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए इस्तेमाल मानचित्रण के लिए है? कौन सी है? स्वामित्व योजना। 98 प्रश्न
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल सेवा योजना किससे संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका सही उत्तर होगा। अगला है, अंतिम प्रश्न, कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMSGY। इसी के साथ ही आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, और आपको कोई डाउट है तो आप अवश्य कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।